हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे चेस्ट एक्सरे के बारे में। चेस्ट एक्सरे कैसे रीड किया जाता है और चेस्ट एक्सरे इंटरप्रेट करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हेल्थ संबंधित वीडियो की जानकारी मिलती रहे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम चेस्ट एक्सरे के बेसिक्स के बारे में जानते हैं। जब भी आप चेस्ट एक्सरे देखते होंगे तो आपको दो तरह के शैडो दिखाई देते हैं। पहला जो शैडो होता है वो ब्लैक होता है और दूसरा जो शैडो होता है वो वाइट होता है। तो वाइट शैडो या वाइट एरिया जो होता है उसे हम लोग एरिया ऑफ ओपेसिटी कहते हैं। एरिया ऑफ ओपेसिटी, जो वाइट एरिया होता है उसे हम एरिया ऑफ ओपेसिटी कहते हैं, और वहीं ब्लैक एरिया को हम लोग एरिया ऑफ लुसेंसी कहते हैं। देखिए, जब भी एक्सरे बीम किसी भी डेंस स्ट्रक्चर से होकर गुजरती है, जैसे कि बोनी स्ट्रक्चर से होकर गुजरती है, तो उसका जो शैडो होता है वो वाइट होता है। और वहीं जब लंग्स से होकर, जहाँ पे एयर फील्ड होते हैं, उस स्ट्रक्चर से होकर गुजरती है, तो हमें जो शैडो मिलती है वो ब्लैक कलर में मिलती है। आप जब भी चेस्ट एक्सरे देखें तो आपको ऐसा एज्यूम करना है कि पेशेंट इज फेसिंग यू। ऐसे एज्यूम करना है जैसे कि पेशेंट जो है आपके सामने खड़ा है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि राइट साइड ऑफ चेस्ट एक्सरे इज टू योर लेफ्ट। जो चेस्ट एक्सरे का राइट साइड होता है वो आपका लेफ्ट होता है, और वहीं लेफ्ट साइड ऑफ चेस्ट एक्सरे इज टू योर राइट। और लेफ्ट साइड जो चेस्ट एक्सरे होता है वो आपके राइट साइड में होता है। तो चलिए इस एक्सरे में हम देखने का कोशिश करते हैं। ये हमारा जो है ये राइट साइड ऑफ लंग्स है, लेकिन जब आप देख रहे होंगे तो आपके हिसाब से ये लेफ्ट है, और वहीं पे दूसरा जो लंग्स है वो आपके राइट साइड में है, लेकिन ये लंग्स जो है पेशेंट का लेफ्ट लंग है। तो आपको हमेशा एज्यूम करना है कि पेशेंट जो है आपके सामने खड़ा है और पेशेंट आपको फेस कर रहा है। चेस्ट एक्सरे रीड करने से पहले आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि पेशेंट का डिटेल्स आपको जानना है, कंफर्म पेशेंट नेम। जैसे यहाँ पे आप चेस्ट एक्सरे में, डिजिटल चेस्ट एक्सरे में देखेंगे तो पेशेंट का डिटेल्स लिखा हुआ होता है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले देखना है पेशेंट का नेम। तो यहाँ पे दिया हुआ रहता है पेशेंट नेम लोकना पहाड़िया, और दूसरा में आपको देखना है कि वेन इट वॉज टेकन। आपको इसका डेट देखना है कि ये कब इसका चेस्ट एक्सरे किया गया था, 27 मई 2023 यहाँ पे आपका लिखा हुआ है। और फिर आगे जो देखना है, व्हाई इट वाज रिक्वेस्टेड, ये जो चेस्ट एक्सरे है वो क्यों रिक्वेस्ट किया गया था, या चेस्ट एक्सरे करने के लिए पेशेंट को क्यों कहा गया था। या तो आप इसे अपने प्रिस्क्रिप्शन में देख के पता लगा सकते हैं, या आप डायरेक्टली पेशेंट से पूछ सकते हैं। और अगला जो बात का ध्यान रखना है, ये रखना है कि ये इन विच व्यू इट इज, ये किस व्यू में है, ये एपी व्यू में है या पीए व्यू में। आप यहाँ पे चेस्ट एक्सरे के एक्सरे फिल्म के जब टॉप राइट कॉर्नर में देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ रहता है ये पीए है या एपी है। ठीक है, तो आपको चेस्ट एक्सरे पढ़ने से पहले आपको कुछ कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि कंफर्म पेशेंट डिटेल्स, दूसरा है व्हेन इट वाज टेकन, और तीसरा है व्हाई इट वाज रिक्वेस्टेड, और चौथा जो है वो है इन विच व्यू इट इज, एपी और पीए व्यू। जब आप पेशेंट डिटेल कंफर्म कर लेंगे, ये चेस्ट एक्सरे क्यों किया गया था और ये चेस्ट एक्सरे कब किया गया था, इसके बाद आपको देखना है चेस्ट एक्सरे के क्वालिटी को। तो चेस्ट एक्सरे के क्वालिटी को चेक करने के लिए आपको मेनली तीन बातों का ध्यान रखना है। पहला जो है वो है रोटेशन, पहला है रोटेशन, दूसरा है इंस्पिरेशन, और तीसरा है एक्सपोजर, एक्सपोजर। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं रोटेशन के बारे में। रोटेशन क्या है? ये जो हमारा क्लेविकल का लैटरल बाउंड्रीज जो होता है, दोनों क्लेविकल का लैटरल बाउंड्रीज और बीच में जो स्पाइनस प्रोसेस होते हैं, दोनों तरफ अगर, दोनों साइड में अगर डिस्टेंस जो है बराबर है तो ये आपका वेल सेंटर्ड है। अगर आपका वेल सेंटर्ड नहीं रहेगा तो किसी एक तरफ का जो डिस्टेंस होगा कम या ज्यादा होगा। तो रोटेशन में आपको मेनली क्या देखना है, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन लैटरल बाउंड्रीज ऑफ क्लेविकल एंड द मिड लाइन, यानी कि स्पाइनस प्रोसेस इज सेम ऑन द बोथ साइड। अगर बोथ साइड में सेम है क्लेविकल का लैटरल बाउंड्रीज और मिड लाइन के बीच का दूरी जो अगर सेम है तो ये क्या है, दिस इज वेल सेंटर्ड चेस्ट एक्सरे।
अगर हम मान लें कि आपका चेस्ट एक्सरे जो है लेफ्ट साइड में ज्यादा रोटेट है, किस साइड में, लेफ्ट साइड में ज्यादा रोटेटेड है, तो इस स्थिति में क्या मिलेगा हमें, क्लेविकल और स्पाइनस प्रोसेस के बीच का जो गैप होता है वो इंक्रीज्ड हो जाएगा। स्पाइनस प्रोसेस और क्लेविकल का जो इस बीच में जो गैप होता है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। और दूसरा जो हमें फाइंडिंग मिलेगा वो क्या मिलेगा, जो राइट साइड का जो एक्स लंग्स होगा वो ज़्यादा डार्कर होगा, राइट साइड का लंग्स जो होगा लेफ्ट साइड के तुलना में ज़्यादा डार्कर मिलेगा हमें। रोटेशन देखने के बाद हमें चेस्ट एक्सरे में देखना है कि ये चेस्ट एक्सरे एडिक्वेट एक्सपोजर में लिया गया है या नहीं। एडिक्वेट एक्सपोजर को देखने के लिए हमें क्या देखना है, जो लोअर थोरासिक वर्टिब्रा जो होते हैं उसको देखना है। अगर लोअर थोरासिक वर्टिब्रा के जो स्पाइनस प्रोसेस हैं, ये जो स्पाइनस प्रोसेस हैं ये बेयरली विजिबल हैं, अगर बेयरली विजिबल हैं यानी कि वेल एडिक्वेट एक्सपोजर है, अगर बेयरली विजिबल हैं इसका मतलब कि जो चेस्ट एक्सरे है वो एडिक्वेट एक्सपोजर में लिया गया है, अगर क्लियरली विजिबल है, अगर साफ तरीके से दिखाई दे रहे हैं इसका मतलब है कि जो चेस्ट एक्सरे है वो हाइपर एक्सपोज्ड है, हाइपर एक्सपोज्ड। अगर क्लियरली विजिबल है यानी कि ये क्या है, हाइपर एक्सपोज्ड। अगर इट इज नॉट विजिबल तो इस अवस्था में क्या बोलेंगे हम लोग, हाइपो एक्सपोज्ड। एडिक्वेट एक्सपोजर को देखने का क्या तरीका है, लोअर थोरासिक वर्टिब्रा शुड बी बेयरली विजिबल, बेयरली विजिबल, इफ क्लियरली विजिबल इसका मतलब हो जाएगा कि आपका चेस्ट एक्सरे जो है हाइपर एक्सपोज्ड है, अगर इफ नॉट विजिबल इसका मतलब है कि हाइपो एक्सपोज्ड है। ठीक है, एक्सपोजर देखने के बाद अब हम लोग देखेंगे कि जो ये चेस्ट एक्सरे किया गया है इसका इंस्पिरेशन जो है एडिक्वेट है। तो देखिए, जो चेस्ट एक्सरे होता है उसे हम जब करते हैं तब पेशेंट को बोलते हैं कि सांस लो और सांस को थोड़े देर रोकना है, और जब लंग्स इन्फ्लेट करता है तब हम चेस्ट एक्सरे करते हैं। तो चेस्ट एक्सरे का इंस्पिरेशन देखने के लिए कि ये एडिक्वेट इंस्पिरेशन में लिया गया है या नहीं लिया गया है, इसके दो क्राइटेरिया है। इसमें क्या है कि आपका जो है 5 से 6 एंटेरियर एंड्स ऑफ रिब दिखना चाहिए और 8 से 10 पोस्टेरियर एंड्स ऑफ रिब दिखना चाहिए अबव द डायफ्राम। ये जो हमारा डायफ्राम है, डायफ्राम के ऊपर 5 से 6 एंटेरियर रिब्स दिखना चाहिए और 8 से 10 पोस्टेरियर रिब्स दिखना चाहिए। तो एंटेरियर रिब्स और पोस्टेरियर रिब्स हम कैसे देखेंगे, चलिए देखते हैं। तो ये जो पार्ट है ये हमारा एंटेरियर एंड से, रिब्स का एंटेरियर एंड से। तो चलिए हम काउंट करते हैं कि हमें इस चेस्ट एक्सरे में कितने रिब्स दिखाई देते हैं। तो ये हो गया हमारा 1, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8, यानी कि 5 से 6 अगर रिब्स आपको एंटेरियर एंड्स के दिखाई दे रहे हैं इसका मतलब कि आपका जो चेस्ट एक्सरे है वो एडिक्वेट इंस्पिरेशन में लिया गया है। अब इसका पोस्टेरियर एंड्स हम कैसे देखेंगे, पोस्टेरियर एंड्स में हमें 8 से 10 पोस्टेरियर एंड्स रिब्स का पोस्टेरियर एंड्स दिखना चाहिए। तो चलिए हम काउंट करते हैं पोस्टेरियर एंड, ये हमारा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, यानी कि हमें जो है 9 पोस्टेरियर रिब्स दिखाई दे रहे हैं, 9 पोस्टेरियर रिब्स। इसका मतलब यह है कि हमारा जो चेस्ट एक्सरे है ये एडिक्वेट इंस्पिरेशन में लिया गया है। इंस्पिरेशन देखने का क्राइटेरिया हमारा क्या है, क्राइटेरिया फॉर एडिक्वेट इंस्पिरेशन, यू शुड एबल टू सी 5 to 6 एंटेरियर एंड्स ऑफ द रिब्स और 8 to 10 पोस्टेरियर एंड्स ऑफ द रिब। ये कहाँ देखना है हमें, अबोव द डायफ्राम, डायफ्राम के ऊपर देखना है, डायफ्राम के नीचे जो रिब्स हैं उसे हम लोग काउंट नहीं करेंगे, तो अबोव द डायफ्राम। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं कि नॉर्मल चेस्ट एक्सरे को हम लोग कैसे इंटरप्रेट करेंगे। तो नॉर्मल चेस्ट एक्सरे को इंटरप्रेट करने के लिए सबसे पहले आपको कुछ
बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आपकी हाथ में कोई भी चेस्ट एक्सरे आता है तो आपको डायरेक्टली किसी भी पैथोलॉजी पे नहीं जंप करना है। अगर डायरेक्टली आप किसी भी पैथोलॉजी पे जंप करते हैं तो आपके फेलियर को जो चांसेस होते हैं वो ज़्यादा होता है। तो आपको किसी भी चेस्ट एक्सरे में डायरेक्ट आपको किसी भी पैथोलॉजी पे नहीं जंप करना है, आपको कुछ कुछ बातों का ध्यान रखना है। और चेस्ट एक्सरे देखने के लिए कोई भी निमोनिक्स को याद रखने का कोई ज़रूरत नहीं है। चेस्ट एक्सरे देखने का दो तरीका है, या तो आप इनसाइड आउट देख सकते हैं या आउटसाइड इन देख सकते हैं, इनसाइड आउट या आउटसाइड इन, ठीक है। तो चेस्ट एक्सरे, नॉर्मल चेस्ट एक्सरे देखने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे ट्रैकिया के कि सबसे पहले हम लोग देखेंगे ट्रैकिया को। तो ट्रैकिया जो होता है हमारा, ये हमारा ट्रैकिया है और यहाँ से दो पार्ट में बंट जाता है, जो ब्रोंकस और ब्लड वेसल्स जहाँ से लंग्स में इन करते हैं। तो ट्रैकिया जो होता है हमारा, ये जो है हार्ट का एरोटिक आर्च के वजह से है, हार्ट का एरोटिक आर्च के वजह से हमारा जो ट्रैकिया जो होता है स्लाइटली जो होता है राइट साइड में टिल्ट होता है। कहाँ होता है? राइट साइड में टिल्टेड होता है। ये क्यों होता है? एरोटिक आर्च के वजह से। किसके वजह से? ट्रैकिया इज स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड्स राइट ड्यू टू एरोटिक आर्च। ट्रैकिया देखने के बाद अब हम देखते हैं हार्ट साइज को। तो हार्ट साइज को हम कैसे मेजर करते हैं? तो हार्ट साइज को मेजर करने का तरीका है कार्डियो थोरासिक रेशियो। कार्डियो थोरासिक रेशियो ये नॉर्मल कितना होता है? कार्डियो थोरासिक जो रेशियो होता है एपीए व्यू में ये लेस देन 0.5 होता है, तो नॉर्मल है। अगर एपी व्यू में, हमें पता है कि एपी व्यू में हमें फॉल्स कार्डियोमेगाली मिलता है, तो इसमें क्या कितना मिलेगा? 0.6। तो हम कार्डियो थोरासिक रेशियो कैसे निकालते हैं? तो कार्डियक डायमीटर बाई, हम इसको निकालते हैं कार्डियक डायमीटर बाई थोरासिक डायमीटर, थोरासिक डायमीटर। ये जो हमारा टोटल थोरासिक डायमीटर है इसको हम डिवाइड करते हैं कार्डियक डायमीटर से। तो अगर हमारा पीए व्यू में वैल्यू आता है लेस देन 0.5 तो ये हमारा नॉर्मल है, और अगर एपी व्यू में लेस देन 0.6 आता है तो ये भी हमारा नॉर्मल है, क्योंकि पीए व्यू में हमें कार्डियोमेगाली नहीं मिलता है, लेकिन एपी व्यू में हमें फॉल्स कार्डियोमेगाली मिलता है। इसके वजह से जो एपी व्यू का जो नॉर्मल कार्डियोथोरासिक रेशियो है वो थोड़ा ज़्यादा होता है, वो कितना होता है? लेस देन 0.6। तो हमें कार्डियोथोरासिक रेशियो कैसे देखना है हार्ट साइज के लिए? तो हार्ट साइज जो हमारा होता है मेजर्ड बाय कार्डियोथोरासिक रेशियो, और कार्डियोथोरासिक रेशियो कैसे देखते हैं हम लोग? कार्डियक डायमीटर बाय थोरासिक डायमीटर। तो हमारा जो वैल्यू आता है उसे हम कार्डियोथोरासिक रेशियो बोलते हैं। पीए व्यू में हमारा जो नॉर्मल वैल्यू आता है लेस देन 0.5 और एपी व्यू में लेस देन 0.6। तो चलिए ट्रैकिया और हार्ट साइज देखने के बाद अब हम देखेंगे मीडिया स्टिनम्स के मार्किंग्स, मीडिया स्टिनम मार्किंग्स। तो मीडिया स्टिनम्स के जो मार्किंग्स होते हैं राइट साइड में जो होते हैं वो मिलकर बना होता है सुपीरियर वेना कावा, राइट एट्रियम और इन्फीरियर वेना कावा, इन्फीरियर वेना कावा। और जो लेफ्ट मीडिया स्टिनम के मार्किंग्स जो होते हैं वो मिलकर बना होता है एरोटिक नकल, एरोटिक नकल। दूसरा जो स्ट्रक्चर होता है लेफ्ट मीडिया स्टिनम मार्किंग्स में, पल्मोनरी ट्रंक्स आर्टरी, पल्मोनरी ट्रंक आर्टरी। तीसरा स्ट्रक्चर होता है लेफ्ट आर्टरियल अपेंडाज, लेफ्ट आर्टरियल अपेंडाज। और चौथा जो स्ट्रक्चर होता है लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो जैसे कि हम सभी को पता है कि हार्ट जो होता है वो चार चैम्बर से मिलकर बना हुआ होता है। हार्ट में हमें चार चैम्बर पाए जाते हैं ह्यूमन हार्ट में,
पहला जो चैम्बर होता है उसे हम बोलते हैं राइट आट्रियम, दूसरा जो चैम्बर होता है उसे हम बोलते हैं राइट वेंट्रिकल, तीसरा जो चैम्बर होता है उसे हम बोलते हैं लेफ्ट आट्रियम, और चौथा जो चैम्बर होता है उसे हम बोलते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल। तो राइट आट्रियम में ऊपर से आकर मिलता है सुपीरियर वेना कैवा, और नीचे से जो मार्किंग्स बनाता है उसे हम बोलते हैं इन्फीरियर वेना कैवा, इन्फीरियर वेना कैवा। तो चलिए इस चेस्ट एक्सरे में हम देखने का कोशिश करते हैं कि मीडिया स्टेनम मार्किंग्स किस किस से मिलकर बना हुआ रहता है। तो ये जो मार्किंग्स बनाता है इसे हम बोलते हैं सुपीरियर वेना कैवा, इस वाले मार्किंग्स को हम बोलते हैं राइट एट्रियम का लेटरल बॉर्डर, और नीचे से जो एक मार्किंग्स बनाता है इसे हम बोलते हैं इन्फीरियर वेना कैवा। ये तो हुआ राइट साइड के। अब लेफ्ट साइड में मीडिया स्टेनम के मार्किंग्स कौन कौन मिलकर बनाता है। पहला जो है यहाँ पे जो नकल हो इसे हम बोलते हैं एरोटिक नकल, एरोटिक नकल। दूसरा जो यहाँ से एक आर्टरी इंटर करता है इसे हम बोलते हैं पल्मोनरी ट्रंक आर्टरी, पल्मोनरी ट्रंक। और यहाँ पे जो होता है ये छोटा सा इसे हम बोलते हैं लेफ्ट आर्टरियल अपेंडाज, और ये जो मार्किंग्स बनाता है ये बनाता है लेफ्ट वेंट्रिकल। कौन बनाता है? लेफ्ट वेंट्रिकल। तो आपको मीडिया स्टेनम मार्किंग्स में क्या क्या देखना है? मीडिया स्टेनम मार्किंग्स में राइट साइड में आपको सुपीरियर वेना कैवा देखना है, राइट आट्रियम देखना है, इन्फीरियर वेना कैवा देखना है, और लेफ्ट साइड में आपको क्या क्या देखना है? एरोटिक नकल, पल्मोनरी ट्रंक आर्टरी, और तीसरा देखना है लेफ्ट आट्रियल अपेंडाज, और चौथा देखना है लेफ्ट वेंट्रिकल। तो चलिए ट्रेकिया, हार्ट साइज और मीडिया स्टेनम मार्किंग्स देखने के बाद अब हम देखेंगे हाइलम के बारे में। तो हाइलम जो होता है यहाँ पे कॉनकेव्स स्ट्रक्चर होता है, ये जो स्ट्रक्चर है इसे हम लोग हाइलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइलम। ये कॉनकेव लेटरली होता है, और ये जो लेफ्ट हाइलम जो होता है राइट हाइलम के एबव में होता है, इसका जो लेवल होता है राइट हाइलम के एबव में होता है। राइट हाइलम के एबव में कौन सा हाइलम होता है? लेफ्ट हाइलम। अगर राइट हाइलम के पैरेलली में लेफ्ट हाइलम है इसको भी ओके बोलते हैं, यानी कि आपका चेस्ट एक्सरे ठीक है। और अगर लेफ्ट हाइलम जो है राइट हाइलम से एबव में है इसको भी ओके बोलते हैं, यानी कि आपका चेस्ट एक्सरे जो है वो ठीक है। तो हाइलम किसे बोलते हैं? हाइलम बोलते हैं पॉइंट ऑफ एंट्री ऑन लंग्स और ब्रोंकस ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स। हाइलम उसे बोलते हैं जहाँ से लंग्स में जो है ब्रोंकस और ब्लड वेसल्स और नर्व जो है इंटर करते हैं। और लेफ्ट हाइलम इज हायर देन द राइट हाइलम। राइट हाइलम से लेफ्ट हाइलम क्या होता है? हायर लेवल पे होता है, और कैन बी एट सेम लेवल। अगर सेम लेवल पे भी हुआ है, सेम लेवल पे भी हाइलम है ये भी ओके है, और राइट हाइलम नीचे है और लेफ्ट हाइलम हल्का ऊपर है तो इसको भी हम लोग बोलते हैं ओके है, ठीक है। और हाइलम जो होता है कॉनकेव लेटरली। क्या होता है? हाइलम जो होता है कॉनकेव लेटरली। तो चलिए अब हम देखेंगे डायफ्राम के बारे में। ये जो स्ट्रक्चर है इसे हम डायफ्राम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायफ्राम। तो डायफ्राम का जो स्ट्रक्चर होता है उसे हम दो भागों में बांटते हैं। पहला भाग होता है राइट डोम, और दूसरा भाग जो होता है उसे हम बोलते हैं लेफ्ट डोम ऑफ डायफ्राम, लेफ्ट डोम ऑफ डायफ्राम। यह है हमारा राइट डोम ऑफ डायफ्राम, और दूसरा है हमारा लेफ्ट डोम ऑफ डायफ्राम। तो लेफ्ट डोम ऑफ डायफ्राम जो होता है राइट डोम से हल्का लोअर होता है। लेफ्ट डोम का डायफ्राम जो होता है वो राइट डोम से हल्का लोअर साइड में होता है। क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इस पे जो होता है हार्ट का जो वेट होता है वो लेफ्ट डोम पे होता है, लेफ्ट डोम ऑफ डायफ्राम पे होता है, जिसके वजह से लेफ्ट डोम ऑफ डायफ्राम जो होता है वो हल्का राइट डोम से स्लाइटली लोअर होता है, ठीक है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि लीवर के वजह से राइट डोम ऑफ डायफ्राम जो है ऊपर होता है, नहीं। हार्ट के वेट के वजह से लेफ्ट डोम ऑफ डायफ्राम हल्का नीचे होता है और राइट डोम ऑफ डायफ्राम हल्का ऊपर होता है।
डायफ्राम देखने के बाद अब हम देखेंगे कोस्टोफ्रेनिक एंगल और कार्डियोफ्रेनिक एंगल। कोस्टोफ्रेनिक एंगल क्या किसे कहते हैं, जहाँ पे चेस्ट वॉल और डायफ्राम मीट करता है, जैसे ये डायफ्राम हुआ और ये चेस्ट वॉल हुआ, जहाँ पे मिलता है इसको बोलते हैं क्या है, कार्डियो सॉरी इसको बोलते हैं कोस्टोफ्रेनिक एंगल, कोस्टोफ्रेनिक एंगल। दोनों साइड में जहाँ पे चेस्ट वॉल और डायफ्राम मीट करता है इसको बोलते हैं कार्डियोफ्रेनिक एंगल, और जहाँ पे डायफ्राम और हार्ट के बीच में एंगल बनता है, जैसे ये हार्ट है और ये डायफ्राम है जो एंगल बनता है, इसको बोलते हैं कार्डियोफ्रेनिक एंगल, कार्डियोफ्रेनिक एंगल। तो नॉर्मल चेस्ट एक्सरे में कोस्टोफ्रेनिक एंगल जो होता है वो शार्प होता है और कार्डियोफ्रेनिक एंगल भी शार्प होता है। अगर किसी भी पैथोलॉजी में आप देखेंगे, यहाँ पे जैसे कोस्टोफ्रेनिक एंगल जो है ये शार्प नहीं है, यानी कि किसी भी पैथोलॉजी में या प्लूरल इफ्यूजन में आपको जो है यहाँ पे ब्लंटिंग दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा, ब्लंटिंग। और प्लूरल इफ्यूजन जो होता है उसका लेवल जो होता है वो लंग्स के लोअर लोब से स्टार्ट होता है। यहाँ पे भी आप देख पा रहे होंगे कि कार्डियोफ्रेनिक एंगल का भी जो एंगल है वो ब्लंटिंग के जैसा है। इसका मतलब कि इस वाले चेस्ट एक्सरे में कुछ ना कुछ पैथोलॉजी है, ठीक है। कार्डियोफ्रेनिक एंगल और कोस्टोफ्रेनिक एंगल देखने के बाद अब हम लोग दोनों साइड के चेस्ट वॉल को कंपेयर करेंगे। दोनों साइड का जो चेस्ट वॉल है, ये राइट लंग्स और लेफ्ट लंग्स के दोनों साइड के चेस्ट वॉल को देखेंगे और कंपेयर करेंगे कि दोनों में समानता है या नहीं। उसके बाद हम देखेंगे बाइलेटरल लंग्स को एक दूसरे के साथ कंपेयर करेंगे। बाइलेटरल लंग्स को ये राइट लंग्स और लेफ्ट लंग्स को दोनों को एक साथ में कंपेयर करेंगे। क्या करना है, कंपेयर करेंगे। अगर किसी में आपको ओपेसिटी या इन्फिल्ट्रेशन दिख रहा है तो दोनों साइड में आपको एक बार रीअश्योर करना है कि दोनों साइड में है या नहीं है। उसके बाद आपको देखना है बाइलेटरल लंग्स देखने के बाद आपको चेस्ट एक्सरे में देखना है बोन्स को। ये जो हमारा ओपेसिटी वाला भाग होता है, व्हाइट ओपेसिटी वाला, उसको हम ये जो है बोन का शैडो है, क्लेविकल का शैडो है, तो आपको इसके बाद क्लेविकल को देखना है, बोनी केज को देखना है, कहीं पे फ्रैक्चर है या नहीं है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, और इसी तरह के रोजाना वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारी लेटेस्ट अपडेट्स की जानकारी मिलती रहे। थैंक यू। जय हिंद।